ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मीन राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 8 जनवरी से 22 जनवरी यानी कि 15 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जहां दोस्तों आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 8 जनवरी से 22 जनवरी यानी कि 15 दिनों में बन रहे सूर्य के शुभ योग में आपकी किस्मत चमक जाएगी। यूं कहें कि इन 15 दिनों में सोने के रथ पर सवार होगी आपकी किस्मत। यह देख सारे दुश्मन जलकर स्वाहा होंगे। जय दोस्तों आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए 8 जनवरी से 22 जनवरी यानी कि 15 दिनों का समय बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। अनेक प्रकार के बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी खुशखबरियों की इन 15 दिनों में आपको प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, वे बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके 8 जनवरी से 22 जनवरी यानी कि इन 15 दिनों के संपूर्ण और सटीक राशि फल के बारे में बताने वाले हैं। जब दोस्तों वीडियो का शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं, कैसा रहेगा आपके लिए भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 8 जनवरी से 22 जनवरी यानी कि 15 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत व सशक्त बनेगी। आलस छोड़कर पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करने में आप संलग्न रहेंगे। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूर्ण एकाग्रचित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग कैसी भी परिस्थिति में सामान्य रहते हैं, आप अपने कर्म व पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे। संतान के विद्या अध्ययन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। दोस्तों, साथ ही साथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अवसर है, इसलिए आप प्रयासरत रहें। बच्चों से संबंधित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको राहत महसूस होगी। किसी नजदीक रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंध पुनः सौहार्दपूर्ण बनेंगे। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार आने से स्वयं को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरे आत्मविश्वास व पराक्रम से अपने कार्य को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधित योजना भी बनेगी। दोस्तों, साथ ही साथ अगर कोई भवन निर्माण संबंधी कार्य रुका हुआ है तो अब इस समय उसका पूरा होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ किसी प्रॉपर्टी को खरीदने संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नत सोच आपके घर तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखेगी। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उचित सफलता प्राप्त होगी। आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित काम करने में सफल रहेंगे। भूमि या वाहन के लिए ऋण लेने की भी योजनाएं बनेंगी, परंतु जल्द ही आप उसे चुकता करने में भी सक्षम भी रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप आप ना करें, जिसकी वजह से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। बिना पढ़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर ना करें। साथ ही क्रोध व गुस्से पर अंकुश रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा आप ना लें, अन्यथा कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई व्यक्ति आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपकी कोई गुप्त बात निकलवा सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। दोस्तों, साथ ही साथ किसी के साथ भी
बातचीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबंध बहुत अधिक खराब हो सकते हैं। महिलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतें, किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है। दोस्तों साथ ही साथ यह समय नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फहमियां उत्पन्न करने की योजनाएं बन सकती हैं। कभी कभी गुस्से में आप आक्रामक रुख अपना लेते हैं, जिससे आप अपने लिए ही परेशानियां खड़ी करते हैं। अपने इस व्यवहार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें। दोस्तों साथ ही साथ यह समय कभी कभी किसी नकारात्मक परिस्थितियों के उत्पन्न होने से विचलित और निराश भी आप हो सकते हैं। फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक है। रुपए पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा आप ना करें। किसी रिश्तेदार से संबंधित अप्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय किसी लापरवाही की वजह से पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप अवश्य लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पति पत्नी के बीच चल रही गलत फहमियां दूर होंगी। साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक परिस्थितियां पूर्णतः पक्ष में रहेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग घर के वातावरण को सुखद में बनाकर रखेगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ यह समय परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टूगेदर प्रसन्नता व नई ऊर्जा आपको प्राप्त करेगी, जिससे परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा और आपके प्रेम संबंध भी बहुत अधिक मजबूत होंगे। दोस्तों बात अगर आपके करियर और व्यवसाय की करें तो यह समय व्यापार में कुछ परेशानियां महसूस होंगी। नए तथा अजनबी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। कोई नजदीक यात्रा संपन्न भी हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिस में अपना उचित व्यवहार बना कर रखें। दोस्तों साथ ही साथ व्यापार को पुनः उठाने के लिए आप भरसक प्रयास और परिश्रम करेंगे। आंशिक रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, परंतु कुछ विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। नौकरी में लक्ष्य को पूरा करने के लिए बॉस व अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। किसी प्रकार के तनाव व टकराव होने की स्थिति बन रही है, परंतु अगर आप धैर्य और संयम से काम लेंगे तो परिस्थितियां पुनः सामान्य हो जाएंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों साथ ही साथ व्यापार में बहुत अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है। यह समय आपको कुछ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे तथा विस्तार संबंधी कुछ नई योजनाएं भी बनेंगी, परंतु अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर इस समय कुछ विचार विमर्श भी होने की संभावना है। परंतु पार्टनर तथा कर्मचारी की हर गतिविधि तथा क्रियाकलाप पर नजर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। आपकी व्यापारिक सूचनाएं भी लीक हो सकती है, परंतु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाव कारोबार और नौकरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा। किसी को पैसा देने से पहले धन की वापसी भी सुनिश्चित करना आपके लिए अति आवश्यक है, अन्यथा आपका पैसा भी फंस सकता है। सावधान रहें। दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय वाहन बहुत ही आप सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी प्रकार की चोट या फिर दुर्घटना के योग बन रहे हैं। हल्की फुल्की मौसमी बीमारी जैसे खांसी जुखाम आपको रह सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना बरतें। तनाव अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप बच कर रहें। अपनी दिनचर्या और खानपान को व्यवस्थित रखें। दोस्तों साथ ही साथ
कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से यह समय आपको राहत मिलेगी। रोग निवृत्ति के लिए प्राकृतिक तरीकों को अधिक अपनाएं। इसके लिए आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।